हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आर एस पांडा यूट्यूब चैनल में। तो फटाफट से डब्बे वगैरह ओपन करते हैं, ओपन करेंगे कमेंट के अनुसार गेम पहले, ठीक है। तो डब्बे वगैरह ओपन कर लेते हैं फटाफट से। वो इनको भी करते हैं फटाफट से, ब्रॉन्ज वाले ना। हाँ ब्रॉन्ज वाले हैं ये, ब्रॉन्ज वाले में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, पर कभी कभी आइटम्स के टोकन से मिल जाते हैं, जो कि सही है। देखो अभी मिल चुके हैं अपन को, हाँ मतलब कभी कभी मिलते हैं इसमें, है ना। हाँ चांस बहुत कम है, कोई बात नहीं। तो फटाफट से स्टीप लगा लेते हैं, क्योंकि स्टीप का अपना पहला कमेंट है, ठीक है। तो लगा लेते हैं स्टीप और कमेंट दिखाता हूँ तुम लोगों को स्टीप का। तो यार अपना स्टीप वाला कमेंट तो अपने स्टीप के साथ आ चुके हैं फटाफट से ना। और हाँ अपना एक इवेंट भी आया है ना, जो मतलब पूरा करना चाहते हो कर सकते हैं, जो कि ये सूजी वाला, अपनी ये सूजी क्रिएटर है ना, तो मतलब उस वाला इवेंट आया। तो ठीक है तुम दिखाता हूँ कौन सा वाला इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये रहा वो वाला अपना इवेंट है ना, तो इसमें एक विन का अपन को 2 पॉइंट मिलेंगे। 2 पॉइंट तो बहुत सही है, पर यार बहुत कम है ना, बहुत कम है, मजा कर रहा हूँ ना। तो मतलब तुमको 100 विनर तो करने पड़ेंगे, अगर तुमको 200 पॉइंट करने हैं तो। हाँ तो तुम लोगों को 200 पॉइंट्स करने पड़ेंगे, है ना, तब जाके तुमको मिल पाएगा मतलब सूजी कैरेक्टर, और जो सूजी कैरेक्टर के वाली स्किन है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। दोनों चीज़ें तुमको साथ में मिलने वाली है, और उसके लिए तुमको 2 दिन के अंदर अंदर है ना 100 विनर्स निकालने पड़ेंगे। तो यार कोशिश करो, ट्राई करो कैसे भी करके। और तुमको पता है यार, जिसको विनर करना नहीं आता तो मैं ट्रिक बता चुका हूँ तुम लोगों को, ठीक है। सेम प्रोसेस है, सेम ट्रिक वही है ना, ठीक है। तुम टॉप रेडर में जो ट्रिक इस्तेमाल करते हो ना, वो टेक तुम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि माइनस लगा के अपन खेल देना। हाँ तो यार माइनस सोलो फुल में लगा लेना, और सोलो लाइट में आगे विनर कर लेना, ठीक है। मतलब जितने, हाँ तो सही है यार, है ना, सही बता रहा हूँ मैं एकदम। अगर तुम सोलो फुल में माइनस लगाओगे तो थोड़ा जल्दी माइनस लगेगी तुम्हारी, और सोलो लाइट में तुम विनर निकालोगे तो तुम्हारी कम प्लस भी आएगी, तो तुमको फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सोलो लाइट में विनर करने का। और हाँ सूजी कैरेक्टर यार मस्त है वैसे तो, एक नंबर कैरेक्टर है, इसलिए बोल रहा हूँ विनर निकालना, ठीक है। मतलब चांस बिल्कुल ही मत छोड़ो, 100 विनर निकाल लो कैसे भी करके, क्योंकि तुम्हें पता है यार मतलब जुआ वाले कुछ देते नहीं है, तो ये दे रहे हैं आजकल, क्योंकि तुम्हें पता है क्यों दे रहे हैं ये वाले इवेंट। ये इवेंट्स इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जो इनकी गेम है ना, ये हो चुकी है भाई ख़त्म हो चुकी है एकदम, बिल्कुल है ना ख़त्म हो चुकी है, डाउन टू अर्थ हो चुकी है एकदम। तो उनसे हो जाए कि क्या कर सकते हैं अपन, तो इसलिए ना ये इवेंट्स वगैरह चला रहे हैं, ताकि प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा जुआ खेले। हाँ तो यार ज़्यादा से ज़्यादा जुआ जब भी खेलेंगे वो, तब वो लोग कुछ इवेंट्स वगैरह देंगे। तो उन लोगों ने भी ये वाला सूजी वाला इवेंट निकाला है, तो इसको तुम ट्राई करो, ठीक है। तो तुमको मतलब अगर तुम 50 मिनट भी एक दिन में निकाल लो तो सही है, तो निकाल लो यार, ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करना है तो कोशिश तो मैंने तुमको बता ही दी है, मतलब टिप्स एंड ट्रिक अपनी जो ही लगती है ना, ठीक है। तुम्हें पता है यार सोलो फुल में तुम माइनस लगाओ, और सोलो फुल चलने वाला रात को, रात को चलेगा, हाँ रात को चलेगा, तो देख लेना, ठीक है। सोलो फुल रात में चलता अपना, और सोलो लाइट है ना, सोलो लाइट चलेगा अपना दिन में, मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है। हाँ मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है, देख लेना तुम फिर भी। और फिर भी किसी को भी ये वाला इवेंट समझ में नहीं आया हो तो ना मेरे से कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। वैसे मेरे पास ऑलरेडी सूजी है, हाँ तो सूजी है, अगर मेरे को स्किन चाहिए ये वाली तो मेरे को भी विनर निकालने पड़ेंगे, और अगर मैं विनर निकालूंगा, ठीक है, तो मैं स्किन तो लगा लूँगा जो अपन को 10 लेवल में मिलती है सरकारी स्किन, हाँ तो उस वाली स्किन को मैं लगा के खेलूँगा ना, तो मेरे को एक विन के 7 पॉइंट्स मिलेंगे। और क्या ही काम है यार, मतलब मेरे को स्किन अच्छी भी लगी नहीं बिल्कुल भी, मतलब इतनी बकवास स्किन निकाली इन लोगों ने, थोड़ी सी तो उनको आराम मतलब कुछ करने चाहिए इसकी सजावट, और इन लोगों ने पता नहीं यार नॉर्मल सी बना दी है ना बिल्कुल ही, मतलब अपनी पेटी बनने वाली है। ये देखो निक्स टोर पोटोकेट लगा के घूम रही है एकदम फास्ट फास्ट ना। हाँ तो यार मतलब टोर पोटोकेट लगा के बहुत ही तेज घूमते हैं, तो मार दिया उसने। मैं सोच रहा था इसके है ना, मतलब सोच रहा था किल नहीं आने का, फिर यार इसने किल कर दिया, तो कोई बात नहीं, अपन फटाफट से नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर चलते हैं और करते हैं गेम प्ले। हाँ अपनी माइनस नहीं लगी, प्लस आ चुकी है, तो इस बात का मेरे को गम नहीं है कि ना, हाँ ठीक है अपनी प्लस तो आई है ना, फिर भी अपना सर्वाइव तो नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, पर प्लस आई है ये मायने रखता है। तो चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, ऑन करते हैं गेम प्ले, है ना। तो लगा लेते हैं फटाफट से अपना नेक्स्ट कैरेक्टर, जो कि होने वाला अपना शायद मैक्स। हाँ ये रहा मैक्स, लगा लेते हैं, क्योंकि यार मैक्स के भी अपने पास कमेंट्स आए थे, तो मैक्स लगा लेते, चलते हैं गेम प्ले एंड कमेंट भी दिखाता हूँ तुम लोगों में। तो ये रहे अपने मैक्स वाले कमेंट एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो चलते हैं फटाफट से मैक्स के साथ, है ना। हाँ मैक्स लगा लिया अपन ने, और मैच के अंदर आ भी गया अपन, साथ में नशे में हूँ मुझे लग रहा है शायद, है ना, कोई बात नहीं। मैं नशेड़ी तो नहीं हूँ, पर पता नहीं यार किस बात का नशा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो ध्यान मत देना इस नशे पे। तो सिल्वर वाले वेपन्स उठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि सिल्वर मिल चुकी है अपन को, वो आने वाला है मजा। गोल्डन तो नहीं मिलने वाली, किस्मत मेरी बेकार है, कोई बात नहीं। तो यार मतलब हेल्थ किट पे बंदे से चिपकते ना, मतलब हेल्थ किट ले लेंगे तो पता नहीं क्या ही कर लेंगे, पता नहीं यार। और ये मैक्स टीम अप कर रहा है अपन से, नूडल रेमन वाला मैक्स, हाँ यार मतलब चाइनीज मैक्स एकदम ना रेमन। अरे यार ये फिर अगर फिर सुपर चोम कर देगा ना, तो अपनी पेटी आराम से देखो यार, मतलब उसका सुपर चोम माना मान लिया है जो बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे अपन तो बहुत ही दूर थे उससे, पता नहीं यार क्या ही सीन चल रहा है यहाँ पे। ये फजी अलग आ गया फालतू में, यहाँ से निकल लेते पहले, क्योंकि अपने पास एक ही हेल्थ गेट है और हेल्थ भी कम है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अपन बच के खेलने, बच के खेलेंगे तो ठीक रहेगा।
सिल्वर बम पड़े हैं यहाँ पे, इसको भी उठा लेते हैं। तो थोड़ा बच के खेलना जरूरी है वरना पेटी भी बन सकती है आराम से, तो टाइम नहीं लगेगा पेटी बनने में, इसलिए मैं थोड़ा बच के खेल रहा हूँ अभी। और हाँ आज मैं बहुत कम कमेंट्स ऐड कर पाऊँगा, मतलब अपनी जो वीडियो है ना बहुत छोटी बनने वाली आज, और गेम प्ले भी बहुत ही कम कर पाऊँगा, ठीक है। तो इस बात के लिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि यार कुछ इशू हो चुका है, तो मेरा डिवाइस थोड़ा सा लेग कर रहा है बहुत ही ज़्यादा आज ना, तो यार तुम समझ सकते हो इस बात को, हैंग हो रहा है भयंकर तरीके से, तो कुछ कर सकते हैं ना अपन, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते मतलब है ना। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, जिनके कमेंट्स ऐड नहीं हो पाए वो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करना है ना, तो यार हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। और हाँ अपनी क्लैन, क्लैन के जो रूल्स है तुम लोगों को पता ही है, जो 2 दिन तक एक्टिव नहीं आएगा उसको क्लैन से हम निकाल देंगे, ठीक है। मतलब मैं निकाल दूंगा क्योंकि जो ऑनर है ना वो मैं ही हूँ, ठीक है। क्योंकि यार मैंने पहले ऑफिसर्स पर डिपेंड किए थे पूरा, तो ऑफिसर ने भाई बहुत ही गलत सीन कर दिया, मतलब जो क्लैन वॉर था ना उसके, मतलब जो क्लैन वॉर के रिजल्ट मिलने वाला था उसके उसके टाइम उस दिन ही मतलब हटा दिया, रिजल्ट मिलने से पहले ही हटा दिया, मतलब जो रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे लोगों को, हाँ अपने क्लैन मेंबर्स को, तो उसके पहले मतलब है ना सबको किक कर दिया उसने, तो यार ये सही नहीं किया बिल्कुल ही, तो इसलिए मैंने अब किसी को भी पसंद नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो अपने क्लैन के ऑनर मैं ही हूँ अभी, और हाँ मैं रूल चलाने वाला हूँ अभी, जो रूल लेना अपना यही है, 2 दिन तक कोई एक्टिव नहीं आएगा तो क्लैन से बाहर कर देंगे, ठीक है, कर दूंगा मतलब मैं। और हाँ क्लैन वॉर अपनी चलेगी ना उस टाइम मैं किसी को भी किक नहीं करूँगा, हाँ किसी को भी किक नहीं करूँगा, ठीक है, तुम समझ सकते हो इस बात को। और किसी को भी मैं क्लैन के अंदर नहीं लूँगा क्लैन वॉर के टाइम पे, क्योंकि तुम देख सकते हो क्योंकि अपने यार ओल्ड मेंबर थे सारे, उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते फालतू में, ठीक है। तुम लोगों को पता ही है बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हो चुका है, इसलिए अब थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा उनको, क्योंकि तुम्हें पता है भाई यार अपनी पेटी ही बन सकती है, थोड़ा बच के खेल लेते हैं यहाँ पे पहले, वहाँ पे तो अपन बाद में खेलेंगे। और हाँ अपना फ्राइडे को आने वाला है क्लैन वॉर, ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं अपने क्लैन वॉर कब आएगा, तो देखो फ्राइडे को आएगा अपना क्लैन वॉर, मतलब यार चांस है, ठीक है, 90% चांस है 90, हाँ। तो मैं सोच बता रहा हूँ तुम लोगों को, यार पता नहीं जो वाले नशे करते तो पता नहीं आई नहीं क्योंकि जो वालों की बात ही अलग है, कुछ कुछ हो रहा है। और यार जो वालों को मतलब अपडेट देना चाहिए, बहुत ही बड़ा अपडेट देना चाहिए, जैसे कि एक ही अपडेट के अंदर 4-5 कैरेक्टर बना के दे दो है ना, और 4-5 रैंडम मैप बना के दे दो, ठीक है। तो मैप्स भी बहुत सारे होने चाहिए थे यहाँ पे, पर इन लोगों ने पता नहीं यार, और हाँ यार मैप बना के भी क्या कर क्या ही करेंगे लोग, क्योंकि पता है जुआ गेम इतने लोग खेलते भी नहीं, अगर इन लोगों को 5-6 मैप बना देंगे ना तो तुम्हें पता है फिर क्या होने वाला है, मतलब हर मैप के अंदर बहुत ही बोर्ड्स देखने को मिलेंगे तुम लोगों, पर यार मज़ा भी आएगा रैंक पास करने में, ये बात भी सही है, पर यार वो जो रियल प्लेयर को मारने में मज़ा आता है ना वो बात ही कुछ और है, क्योंकि यार अपन बोर्ड के सामने कितना ही इमोट वगैरह मार लो कितना ही एक्शन मार लो तो यार बोर्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, शायद तुम्हारी बोर्ड भी तुम्हारी पेटी बना सकता है, जैसे कि मैंने नेक्सी बनाई है एकदम, हाँ यार चिल एकदम कूल तरीके से, ठीक है। तो यार मैं सोच रहा हूँ सर्वाइव करने का, पर यार इन लोगों को मैप्स बनानी चाहिए, जैसे अपने इन्होंने वोल्केनो वाला निकाला ना, हाँ तो यार इनको एक और मैप बनाना चाहिए, जैसे कि मैं आईडिया देता हूँ इन लोगों को आइसलैंड वाला, ठीक है, अपने जो बर्फीला इलाका होता है ना, हाँ वैसा कुछ मैप बनाना चाहिए इन लोगों को, तो यार मैं सोच रहा हूँ बनने का यार। अरे यार मार दिया इसने, मैं सोच रहा था एक बार फाइट लेने का, थोड़ा सा मैं सोच रहा था पर उसने जाते ही मार दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनको यार मतलब नए नए मैप्स निकालने चाहिए, मतलब यार क्या ही कर रहे हैं लोग। और हाँ जो अपना जो जो सेंट्रल जू है ना, ये तो इनको परमानेंट रखना चाहिए, ठीक है, मतलब चेंज नहीं करना चाहिए बिल्कुल ही, सेंट्रल जू हमेशा उसके अंदर ही पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यार जो अपना जूबा का जो मेन है ना मैप, जो मेन मैप है वो यही है सेंट्रल जू, तो वो होना चाहिए बिल्कुल ही। और इनको बहुत सारे मैप्स बनाने चाहिए, जैसे कि अरेना निकालना चाहिए इन लोगों को, और वो रुइंस, हाँ रुइंस में भी बहुत शानदार है, अगर ये निकाले तो निकाल सकते हैं, पर कोई बात नहीं यार पागो से अपन गेम प्ले करते हैं, चैलेंज भी दिया है पागो से, तो करते हैं फटाफट से कमेंट्स भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो ये रहे अपने पागो वाले कमेंट्स, और हाँ अपन को स्पेयर एंड शॉटगन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो फटाफट से गोल्डन बॉम्ब उठा लेते हैं, क्योंकि अपन को शुरू में मिल चुका है, पता नहीं यार ये अंदर किस्मत चमक चुकी है अपनी, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो मतलब जो अपन को दोनों वेपन्स नहीं चलाने, तो तीसरा वेपन जो अपन को चलाना है बॉम्ब, हाँ तो अपन बॉम्ब ही चला सकते हो, और वो भी भाई गोल्डन मिल चुका है, तो यार मतलब किस्मत थोड़ी अपनी सही चल रही। और हाँ जो अपना सूजी वाला इवेंट आया ना, हाँ तो यार मेरी बात सुनो, डिफिकल्ट तो होने वाला है, देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ डिफिकल्ट होने वाला है, तुम अपने डिस्क पे इसको ट्राई करना, ठीक है। पर जिन लोगों ने मतलब रूम में निकाला है ना, तो उसको आराम से कर लेंगे, पर तुमको पता है ना यार टिप्स एंड ट्रिक मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को जो करना इस्तेमाल, ठीक है। गोल्डन स्पेयर पड़ा है वहाँ पे, पर अपनी दम नहीं उठाने की, तुम्हें पता है क्योंकि अपन चैलेंज कर रहे हैं, हाँ। तो देखो यार मतलब मेरी बात सुनो, जो अपन मतलब टॉप रेडर में जो अपन ट्रिक इस्तेमाल करते हैं ना, वही ट्रिक इस्तेमाल करो तुम, मतलब यार जरूरी नहीं है सोलो फुल में माइनस लगाओ, ठीक है। तुमको अगर टाइम मिल रहा है बहुत ज़्यादा खेलने का, तो तुम सोलो स्टैंड अप वगैरह में भी माइनस लगा सकते हो, मतलब कैसे भी करके यार माइनस लगाओ एंड माइनस लगा के खेलो, और कम लेवल के बंदे पेलो, ठीक है। कम लेवल के बंदे पेलने के बाद तुम्हारा हो जाएगा विन, है ना, विनर होने के बाद तुम
फटाफट फटाफट मतलब। और तुम लोग को ये पता नहीं होगा मतलब काउंट कहाँ पे हो रहा है, तो देखो यार ये ऑटो काउंट हो रहा है ठीक है, तुमको दिखेगा नहीं पर ये काउंट हो रहा है तुम लोगों का, पर तुमको पता नहीं चलेगा ना किस बात का कि हमने कितने मिनट कर लिए हैं। तो यार देखो तुम मेरी बात सुनो, इसको तुम किसी चीज़ में नोट कर लेना ठीक है, जैसे तुम जैसे जैसे तुम मिनट निकालते जाओगे ना वैसे वैसे किसी तुम्हारी डायरी वगैरह में नोट करते चलना ठीक है। यार मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि यार तुम अपने हो ठीक है, हाँ तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर देखो यार तुम नोट नहीं करोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि कितने मिनट मैंने निकाल लिए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है। तो तुम डायरी वगैरह में नोट कर लेना, जैसे कि है ना हाँ बता रहा हूँ यार मैं ना मतलब निकाल लेना ठीक है, जैसे तुमने 1 मिनट किया तो डायरी में लिख देना 1 है ना, हाँ तो ऐसे ऐसे कर लेना ठीक है। और यार यहाँ पे ब्रूस देखो इतना बड़ा हो गया भी मतलब गेम कर रहा है, मतलब बच्चों ऐसी हरकत कर रहा है यार, क्या ये मतलब इंसानियत ख़त्म हो चुकी है मतलब इंसानों में से, तो मतलब मजा कर रहा था, इंसानियत ख़त्म हुई है। वो कैंपर है बहुत ही बड़ा वाला है ना ठीक है, कैंपर लोग होते हैं ना तो डरते हैं ये, हाँ कैंपर लोग डरते हैं मतलब फाइट लेने से डरते हैं थोड़ा, तो इसलिए वो फाइट नहीं ले रहा। और उसको पता भी है सामने पाकू है ना, हाँ पाकू उसको पता है अजय देवगन का भाई है ना पाकू देवगन, तो इसलिए वो थोड़ा डर रहा है फाइट लेने में, क्योंकि तुमको पता है यार पाकू वेटर कितना खतरनाक है, इसलिए सब पाकू वेटर से फाइट लेने में थोड़ा डरते हैं, मतलब हर कैरेक्टर देख लेना तुम कभी भी, हाँ तो यार डरते ही हैं। तो कभी भी मैच में जाता हूँ ना तो यार मतलब म्यूजियम वगैरह के अंदर अगर बंदे होते हैं, अगर मैं म्यूजियम में चला जाऊँगा तो मतलब बंदे वहाँ से बाहर आ जाएंगे ठीक है, बंदे सोचते हैं यार ना पाकू आया तो यार डर जाते हैं बंदे, पर उनको ये पता नहीं है कि लेवल कम है, वरना लेवल अगर उनको पहले ही पता चल जाता ना लेवल कम है तो वो बंदे भागेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है वो सोचते हैं यार लेवल 20 मैक्स हो सकता है, तो यार अपनी लेवल कम है बस इसी बात का मेरे को कम है, पर अपन बहुत जल्दी ID मैक्स कर लेंगे। यहाँ पे ब्रूस देखो मतलब पंगे ले रहा है कोई बात नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे गेम कर लेते अपन थोड़ा, क्योंकि ब्रूस भी तो गेम कर रहा है फालतू में, हाँ तो अपन भी कर लेते हैं ना क्या ही जा रहा है अपना, क्योंकि तुम्हें पता है यार अपन बॉम्ब यूज़ करेंगे और अपने जो ये पाको वाला थूक है, यानी क्या थूकता है पता नहीं कौन सी बीमल गुटका खाता है, कोई बात नहीं तो यहाँ पर निकल लेते अपन थोड़ा सा, वो सूजी ने उसको पहन ले उसको बढ़िया है ना, हाँ म्यूजियम के अंदर सूजी चली गई थी अभी, और सारे जो सूजी ने सारे आइटम्स लगा रखे हैं, जैसे कि टॉर्बो रॉकेट एंड वो कौन सा आइटम यार वो दूरबीन वाला, हाँ उससे बार बंदों की लोकेशन पता चल जाती है, बंदा यार छुपा के कोई से भी मैप में कोई से भी कोने में अगर छुपा होगा ना तो वो वाला आइटम बता देगा बिल्कुल ही, तो यार सही है मतलब तुम्हें पता है यार अपना विनर तो होने नहीं वाला ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम #2 तक तो अपना सर्वाइव हो जाए, हाँ तो यार अपना #2 तक अपना सर्वाइव हो जाएगा ठीक है, हाँ हो जाएगा मेरे को पता है, इतना तो मेरे को खुद के ऊपर गर्व है मतलब वो कॉन्फिडेंट है, हाँ अपन कॉन्फिडेंट है इतने, पर लास्ट में कैंप पर बचा है शायद सूजी ने उसको भगाया जो उनके अंदर, और देखो उधर से आ रही है वो नेक्स्ट कैंप पर, तो लोग यार इस कैंप पर को थोड़ा डैमेज अपन देंगे ताकि जल्दी मर जाए, और ये सूजी मेरे ऊपर अगर वेपन चला देगी ना तो यार उसने चला भी दिए कोई बात नहीं है ना, नेक्स्ट मर चुकी है तो अपन खुश हो चुके हैं एकदम, चलते हैं फटाफट से और मरते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि अपना #2 तक अपना सर्वाइव हो चुका है, सूजी को हो चुका है विनर, क्योंकि होना था यार इतने बड़े बड़े बंदे आ जाते हैं मैच में फालतू में, सही में मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही गुस्सा आता है नंदो पे, क्या कर सकते हैं ना यार अपन फटाफट से अपन भी level 20 करेंगे है ना, लेवल सबके निकालेंगे अपन भी, एंड ऐसे आइटम्स लाएंगे एकदम दूरबीन है ना, और अपने जो ये होती है ना फेरोमोन है ना बॉडी ये सब लगाएंगे, तब जाके भाई मजा आएगा खेलने में, मेरे को पता है अभी अभी मजा आ रहा है, पर कोई बात नहीं ठीक है यार, बड़ी लेवल के बंदे आगे सारा गेम खराब कर देते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को करते हैं गेम प्ले, जो कि अपना होने वाला है टोनी है ना, टोनी उन्हें लगा लेते हैं टोनी हिप्पोपोटामस, तो लगा लिया यार कमेंट देता हूँ तुम लोगों में, तो यार अपना टोनी वाला कमेंट है ना, तो हाँ अपन टोनी के साथ आ चुके हैं मैच के अंदर, और मचाने वाले धूम धड़ाका, तो देखते यार मतलब धूम धड़ाका तो मेरे को पता नहीं मुश्किल बच मचा पाएंगे अपन, कोई बात नहीं। और हाँ यार कल वाली वीडियो में अपने शानदार गए थे एकदम है ना, मतलब क्या बोल रहा था मैं पता नहीं भूल गया, कोई बात नहीं, मतलब भूलने की बीमारी मेरे को बहुत ही बुरी लग चुकी है यार, ये बीमारी पता नहीं कैसे ठीक होगी, तुम लोग मेरे को कमेंट में टिप्स एंड ट्रिक बता देना ठीक है, यार बादाम खाना मत बोलना ठीक है, बादाम खाने से कुछ नहीं होता, ये सब इलीगल बातें हैं ना, कोई बता मतलब इलीगल है, बैन कर देनी चाहिए इन बातों को, क्योंकि यार मतलब मैंने सुना है यार बादाम खाने से कुछ नहीं होता ठीक है, मतलब यार वो स्माइल पहले पहले टीम फालतू में कर रहा है बंदा, टीम अप इसलिए कर रहा है उसकी हेल्थ कम है और वो सब्सक्राइबर नहीं है मेरे को पता है, अगर वो सब्सक्राइबर होता तो वो है ना माइक पे बोलता मेरे को अरिस पांडा बेटी मेरे को मत मारो मैं सब्सक्राइबर हूँ, अरे यार माइक ही नहीं झुका मैं, ये तो बहुत ही वाला गंदा सीन हो चुका है यार, मतलब जो में माइक होना चाहिए था, सही कह रहा हूँ मैं, कौन कौन चाहता है जो में माइक वाला सिस्टम आना चाहिए ना भाई, हाँ तो देखो मेरा सुना अगर तुम चाहते हो जो में माइक वाला सिस्टम आए तो यार कंटेंट क्रिएटर अपना ओपन कराओ भाई, देखो मैं तो थक चुका हूँ बिल्कुल ही है ना, अपन कंटेंट क्रिएटर के इतना पीछे पड़े हैं मतलब 1 साल से पीछे पड़ता आ रहा हूँ मैं, पर क्या ये कर सकते हैं ना, मतलब उन लोगों ने तो कसम खा ली है कि ओपन ही नहीं करना है, तो यार देखो तुम मेरी बात सुनो है ना, तुम टर्व गेमिंग की वीडियो में फूको जाके ठीक है, क्योंकि टर्व गेमिंग अपना एक एकमात्र सहारा है जो कि बोल सकता है उन लोगों से, क्योंकि यार टर्व गेमिंग अगर सही बता रहा हूँ मैं कंटेंट क्रिएटर होता ना
तुम लोगों की मैं हेल्प जरूर करता यार। टारो गेमिंग अपना ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर है, पर वो फिर भी यार मुझे लग रहा है वो हेल्प नहीं कर रहा अपनी। यार उसको करना चाहिए हेल्प, ठीक है, हेल्प करना चाहिए उसको। उसको जो वालों को गाली देनी चाहिए भाई, मैं बता रहा हूँ ना। और उसको टारो गेमिंग को गाली देना नहीं आता तो वो मुझसे बात कर ले, मैं उसको सिखा दूंगा, या फिर उसको कॉपी वगैरह मतलब पेस्ट मतलब है ना उसको टाइप करके दे दूंगा तो वो कॉपी पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो यार जुआ वाले अगर मेरी गाली सुनेंगे ना तो वो लोग एक ही दिन में मतलब एक दिन भी नहीं मतलब एक घंटे में कंटेंट क्रिएटर को ओपन कर देंगे। तो यार तुम्हें पता ही है कंटेंट क्रिएटर का तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना। हाँ तो यार कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद अपन है ना जो वालों को अपन अपनी उंगली पर नचा सकते हैं, अपन जो बोलेंगे ना वो करेंगे। जैसे कि देखो मान लो मेरे में दिमाग में कुछ न्यू आइडिया आया है तो मैं जैसे बोलूँगा कि यार गेम के अंदर ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तो वो लोग ला देंगे मैं बोलूँगा तो नॉर्मल प्लेयर्स की वो बात नहीं मानेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी मैं बोल रहा हूँ फिर उसकी अपनी है ना हल्क वाली स्किन आनी चाहिए, तुम लोग को कह मतलब तुम लोग सोचो ना मतलब क्या ही शानदार सीन है ना। हाँ यार मतलब आनी चाहिए ना हल्क वाली स्किन ब्रूस वाली उस कैरेक्टर की, तुम लेजेंडरी स्किन बना दो ब्रूस की, शानदार है ना एकदम। पर यार तुम लोग सोच सकते हो इस बात को, जो वाले अपनी बात मानेंगे नहीं, ठीक है। तो यार तुमको पता ही इस बात का ना, तो क्या ही कर सकते हैं। और यार जब कंटेंट क्रिएटर्स थे ना तभी उनको उंगली में नचाती नहीं, पता नहीं यार क्या ही मतलब। और ना भाई जो न्यू क्रिएटर्स एंड न्यू स्किन्स आती ना सारे इनको मिल जाती है कंटेंट क्रिएटर्स को, फिर ये जब तो अभी तो भाई ये माथे पे चढ़ गए एकदम जुआ वालों के, मतलब पता नहीं यार कौन माथे पे चढ़ रहा है, जुआ वाले चढ़ रहे हैं या फिर ये इनको, मेरे को पता नहीं है सीन, क्योंकि यार अपन कंटेंट क्रिएटर नहीं है अभी। और हाँ अपन गिव अवे वगैरह भी अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है यार जो जुआ वाले हैं ना वो गिव अवे ओनली उनको करने देते हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स को। और हाँ जो तुम लोग कमेंट्स में बोलते हो डिस्कॉर्ड बनाने का, तो यार देखो डिस्कॉर्ड में बना लूँगा ना, पर मेरे जितने सब्सक्राइबर है ना उसके हिसाब से मेरे जो डिस्कॉर्ड को मतलब बंदे ज्वाइन करेंगे शायद 5 बंदे भी मुश्किल से ज्वाइन करेंगे। हाँ तो यार 5 बंदे भी मुश्किल से ज्वाइन करेंगे, एकदम सही बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि तुमको पता है मतलब है ना यार मतलब डिस्कॉर्ड इतने लोग यूज़ नहीं करते तुमको पता है। और हाँ मतलब अगर मैं ऑन भी कर दूँगा ना तो यार मैं सोच रहा हूँ अभी है ना यार आफ्टर 1K या फिर आफ्टर 2K उसके बाद ही अपन डिस्कॉर्ड ऑन करेंगे। यार मेरे को पता है 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी मेरे जो डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन होंगे ना, हाँ यार 5 या 6 बंदे ही ज्वाइन हो पाएंगे, मेरे को पता है इतने कमी होंगे तो यार कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर तो होने दो, ठीक है, मेरे को यार भाई 1K तो हो ही नहीं है, मैं 4-5 हज़ार के सपने देख रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ तुम लोगों को सपने, तो यार बेकार है यार मतलब गलत है। गंगौर बचा यार गंगौर तो बहुत ही ज़्यादा जंपक लगा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा जंप लगा रहा है यार ये तो सही में मुश्किल ऐसे जितना क्या कर सकते हैं। और अपने जो टोनी कैरेक्टर है ना इसकी मैंने वैम्पायर इतनी लगा रही है, और तुम लोग देख सकते हो फेरोमोन कितना यूजलेस है, मतलब मैंने फेरोमोन किया वो बंदा बच चुका है और भाग चुका है, तो यार मतलब भागेगा सही क्या करेगा बंदा। तो देखो यार उसको डैमेज तो मैं तगड़ा दे रहा हूँ, मतलब यार कैसे नहीं मर रहा है पता नहीं क्या ही सीन हो रहा है, मतलब यार डैमेज तगड़ा दे रहा है उसने। वैम्पायर तीत लगा रखी है, मैंने वैम्पायर तीत लगा रखी है, मेरी पेटी बनने वाली है क्योंकि हमने पास हेल्थ किट नहीं है, अभी पेटी बन चुकी है अपनी शायद कंगारू के बच्चे ने मार दिया है, क्योंकि यार तुमने देखा वो गेम प्ले मेरा हैंग हो गया था। हाँ यार मेरा गेम प्ले हैंग हो जाता है तो इसी बात का मेरे को गम है, वरना अपन भी पीरो प्लेयर हैं। हाँ पीरो प्लेयर हैं यार, मतलब जो अपना डिवाइस है ना सारी स्किल्स खा चुका अपने गेमिंग स्किल्स सारी स्किल्स खा रहा है एकदम ये ना। हाँ बड़े चबा चबा के खा रहा है, कोई बात नहीं यार तुम सपोर्ट करते रहो अपन, एक दिन अपन न्यू आईफोन तो बिल्कुल ले लूँगा मैं, तुम्हें पता है आईफोन में तो मतलब बेकार है जो अपना मतलब बैटरी वाला सिस्टम है ना उसका बहुत ही बकवास है, मतलब बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है वो, कोई बात नहीं फटाफट से अपन बेट से ला लेते हैं चलते गेम प्ले करने के लिए। तो ये अपने बेट से वाले कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो आ चुके अपन मैच के अंदर, और हाँ बंदे देखो यार थोड़े बड़े लेवल के हैं ना, तो यार देखो मेरा सुनो जो है ना ये बोट्स हैं जैसे कि जेड जेड कैरेक्टर ने अपना ये वाला जो साइड में खड़ा है बोट है, देखो यार उसके इलेक्ट्रिक करंट ने कितना शानदार डैमेज दिया है, तुम लोग समझ सकते हो जो अपना जो बोट्स कैरेक्टर होते हैं ना बोट्स वाले बंदे, तो यार इन लोगों जो आइटम्स है ना सारे मतलब मैक्स लेवल के होते हैं, जैसे कि इनके पास 12 लेवल का पावर होता है, ठीक है, 12 लेवल की जो करंट मारने वाली भी है ये ना गैजेट इलेक्ट्रिक हैंड अपना गैजेट है ना भाई, क्या ही शानदार डैमेज दिया देखोगा आप लोगों ने, मतलब इतना शानदार डैमेज दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा बच के खेलना जरूरी है। और अपनी अपनी पेटी बन मरते मरते बचे हैं, मतलब यार तुम समझ सकते हो, तो कोई बात नहीं पहले वैसे तो मैंने सेल्फ डेफिलेटर लगा रखा है, पर सेल्फ डेफिलेटर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यार तुम्हें पता है थोड़ा बच के खेल लेते ना तो थोड़ा बाद में भी काम आ जाएगा, क्योंकि यार तुम्हें पता अगर कोई प्रो प्लेयर अगर अपने पीछे पड़ जाए तो दोबारा जिंदा होने के बाद भी दोबारा पेटी बना देगा वो, मतलब प्रो प्लेयर नहीं बोल सकते यार उसको अपन, उसको जो लेवल बोलेंगे ना नोबड़ा है वो एकदम जो मैक्स लेवल करके खेलते हैं ना फुल एकदम फेरोमोन वगैरह लगा लेते हैं। तो यार अब जाके मेरे को थोड़ी बहुत लूट मिली है, पर अभी तक मेरे को स्पीयर नहीं मिला है, कोई बात नहीं देखो उधर रूबी है, रूबी यार तुम्हें पता है डैमेज बहुत तगड़ा रूबी का, अगर उसने अपने ऊपर एक स्पीयर चला जाना तो शायद अपनी एक स्पीयर में पेटी बना देगी, मुझे पता है यार मतलब रूबी बना सकती है, रूबी कैरेक्टर अपना खतरनाक है ना तो तुम्हें पता होगा। और अपनी जो बेडसी वाली स्किन है यही शानदार लग रही है, मतलब इसके पीछे से ना रेमबो निकलता है एकदम, हाँ रेमबो अपना निकल रहा है पीछे से एकदम है ना सही लग रहा है एकदम बिल्कुल ही।
और शायद मैं अभी डिस्कॉर्ड से पहले मैं सोच रहा हूँ यार इंस्टाग्राम जीसी बना लेते अपन, ठीक है, अपने जो इंस्टा इंस्टा है ना, हाँ, तो शायद मैं सोच रहा हूँ वहाँ का अपन जीसी बना लेते एक, अगर तुम लोगों को कुछ वो बात वगैरह करनी है तो उनमें करेंगे, ठीक है। क्योंकि यार तुम्हें पता है क्लैन में तो जाने कैसा लगता है, अजीब सा लगता है बिल्कुल ही, क्योंकि क्लैन में ना मेरा जो डिवाइस है ना बहुत ज़्यादा हैंग होता है, तो अपनी पेटी बनने वाली, मेरे को पता था कि इसके अंदर कोई बंदा बड़े लेवल का है, तो शायद सूझी थी मेरे को पता था, तो अपनी अपनी पेटी बनने वाली, भाग लेते हैं ऐसे अपन, भागना है जरूरी, भागना है, ठीक है, तो इसके हाथ नहीं आना है बिल्कुल, भाग लेते हैं ऐसे। मतलब बंदा यार पीछे पड़ चुका है, मेरे को पता है मार के, हाँ तो यार उसने मार के मार लिया, ठीक है, और कोई बात नहीं, मेरे को पता था यार हाथ पैर धो के वो पीछे पड़ चुका है बंदा, और मारने के बाद उसको शांति मिलने वाली है, और उसको शांति शायद मिल गई हुई है ना, तो कोई बात नहीं, मिलने तो शांति अपने किया जा रहा है, ठीक है। यार मतलब नेक्स्ट लेवल की कैरेक्टर है, फिर हम लगा लेते बंदे ऐसे मारते हैं ना, तो सही नहीं लगता बिल्कुल, कोई बात नहीं, अपन फटाफट से नेक्स्ट कैरेक्टर को चलते हैं एंड करते गेम प्ले, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि अपना नेक्स्ट कैरेक्टर ये रहा भाई जॉय, जॉय लगा लेते, अपना नेक्स्ट कैरेक्टर होने वाला था जॉय ना, चलते गेम प्ले करने। तो यार अपना जॉय वाला कमेंट और जो जॉय के साथ आते हैं अपना हो चुका है यहाँ पे सर्वर रेड है ना, हाँ, तो ये लास्ट कमेंट है, लास्ट गेम प्ले, क्या तुम लोग मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मैंने तुमको बता दिया इशू है ना, अपना जो फ़ोन है ना बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा मतलब ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा मैं ना, तुम समझ सकते हो। तो यार ये वाला गोल्डन शॉट गन तो उठा लेते फटाफट इसको अपन, और स्पेयर भी चाहिए यार ना गोल्डन, अगर स्पेयर मिल जाए तो मज़ा आ जाते, कोई बात नहीं, पर नहीं मिला तो टीम अप कर रहा है जानता है शायद, कोई बात नहीं, भाग लेते हैं ऐसे अपन। वैसे तुम लोग मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है, क्योंकि आपने जो अपनी वीडियो है उसका ड्यूरेशन मेरे को कम करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। वैसे तुम लोग बता देना कमेंट में, या फिर तुम आधे घंटे तक देखने के लिए तैयार हो, या अगर नहीं हो तो यार मैं कर दूंगा, ठीक है। अपन 20 मिनट का रखने वाले, अभी थोड़े दिन बाद में अपन 20 मिनट का रख देंगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ 1K सब्सक्राइबर्स के बाद अपन भी है ना, हाँ यार 1K सब्सक्राइबर अपन ना, तो अपन 20 मिनट का रख देंगे, ठीक है, सही है ना यार। पर यार देखो मेरी बात सुनो, 20 मिनट का रखने के बाद अपना जो फ़ायदा है या फिर नुकसान मेरे को पता नहीं है, पर तुम ये बात सोच सकते हो, अपना जो कमेंट्स है ना बहुत कमेंट कर पाऊंगा, पर मैं बस यही बात है यार, इसी बात का मेरे को गम है। तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर तुम लोग तैयार हो देखने के लिए वीडियो, तो मैं आधे घंटे का क्या भाई, 1 घंटे का बना दूंगा मैं तुम लोगों के लिए ना, तो तुम समझ सकते हो 1 घंटे तक की मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ अपने जो तुम लोग बता देना कमेंट में, और अपना जो न्यू डिवाइस अपन लेंगे ना उसके बाद अपन, तुम सोचते हो ना कि यार मैं सब्सक्राइबर साथ क्यों नहीं खेलता, अपन लाइव स्ट्रीम करेंगे एंड उसके अंदर खेलेंगे, ठीक है। हाँ यार लाइव स्ट्रीम को भी अपन अपलोड करेंगे, ऐसी बात नहीं कि लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं अपलोड नहीं करूँगा, तो लाइव स्ट्रीम को भी अपलोड करेंगे अपन एंड लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं सब्सक्राइबर के साथ ही खेलूँगा, तो अपनी लाइव स्ट्रीम 2 या फिर 3 घंटे की होने वाली है ना, तो यार तुम समझ सकते हो। पर अभी अपना जो डिवाइस है ना ये फट फुट आ जाएगा फालतू में, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं करने वाला, और वो ओली बहुत ही शानदार डेमेज दे रहा है, पता नहीं यार क्या ही मक्खन की तरह खेल रहा है एकदम बिल्कुल ही, कोई बात नहीं यार अपन थोड़ा बच के खेल लेते हैं, क्योंकि अपनी पेटी फालतू में बना बना देखो है ना, तो थोड़ा बच के खेलना जरूरी है। और तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, अपने जो जॉय कैरेक्टर है ना अपना ग्राम मास्टर पे था ये, पर ये उतर चुका है ग्राम मास्टर पे, से बताओ क्यों, क्योंकि यार मैंने मैच जैसे स्टार्ट किया था पहले अपना जुआ वालों ने मेरे को बाहर फेंक दिया, ठीक है, बाहर फेंकने के बाद तो माइनस लग चुकी है यार, मतलब ऐसा ही करते हैं ये लोग कभी कभी, सस्ता गेम है ना तो करना पड़ता है उनको, वरना यार अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तुम्हें पता है यार जुआ गेम सब खेलेंगे, इसलिए इनको करना पड़ता है, ये चाहते हैं यार जुआ गेम कोई नहीं खेले, इसलिए इनको करना पड़ता है, ठीक है, वो तो समझ सकते हो, वरना यार ना ऐसा चाहते हैं ना ये यार, अगर दूसरी कंपनी जुआ गेम को खरीद लेना तो मतलब अपना गेम है ना बहुत ही शानदार हो जाएगा, कोई बात नहीं यार अपन बाद में अगर कंटेंट क्रिएटर के बाद अपनी खुद ही कंपनी बनाएंगे आर एस पांडा कंपनी, उसके अंदर अपन जुआ, ठीक है, मजा कर रहा हूँ यार, मतलब इतने बड़े डेवलपर्स नहीं है अपन, पर हाँ यार ये बात सही है, जुआ के जो डेवलपर्स है ना मतलब बहुत ही बेकार है यार, मतलब उनको कुछ डेवलप करने नहीं आता सही सही से है ना, इसलिए वो बिगाड़ देते सारा काम, मतलब जो जितने भी इनके बग वगैरह है ना, हाँ जो यार फिक्स नहीं हो रहा अभी तक इनके, पता नहीं यार क्या सीन हो रहा है अभी तक इनसे, बग यानी गिलीच फिक्स नहीं हुए इनसे, तो 2 कोड़े के पता नहीं यार 2 कोड़े के डेवलपर्स है बिल्कुल ही, और इनको शायद न्यू चीज़ें बनाना आती नहीं, इसलिए पुराने को रिपीट करते हैं, जैसे कि अपना जो प्रीमियम पास है उसके अंदर भी ये स्किन्स वगैरह रिपीट करते जा रहे हैं है ना लगातार, देखो यार ओली ने अपनी कई सुंदर डैमेज दे रहा है, मतलब ओली पता नहीं यार कैसे खेल रहा है, शायद हैकर है या मेरे को पता चल रहा है, शायद हैकर हो सकता है वो, तो अपन थोड़ा बच के खेल लेते, देखो ओली के यहाँ पे फोटो लगी हुई है, वैसे यार वाले ओली को मेरे को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरा नाम है ना आर एस पांडा वाई डी है, यार तुम्हें पता है यार पांडा पांडा को मारेगा तो सही नहीं लगेगा तुमको पता है, तो कोई बात नहीं अपन थोड़ा सर्वाइव यहाँ पे कर लेते हैं ना, अगर सर्वाइव होता है तो, हाँ से आ गया भाई एकदम से आगे पेटी बना दी इसने, कोई बात नहीं सरप्राइज अटैक किया इसने, तो अपनी पेटी बन चुकी है, मतलब इतनी जल्दी अपनी पेटी बन चुकी है, ठीक है। तो यार वीडियो अपन एंड करते, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।